साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। इसे पूर्व के भाग में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में इसी अध्याय की आगे कुछ व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष किस प्रकार लिखा जाता है उसका उल्लेख भी मैंने इससे पहले की वीडियोज में किया है, तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उन वीडियो में भी अध्ययन कर सकते हैं। उनकी जानकारी उस भाग में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं इस व्याख्या की, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता। देखिए, यौवन का अर्थ यहाँ पे है युवावस्था। उन्माद, उन्माद का अर्थ है मस्ती, आनंद, अथवा पागल। मस्ती, आनंद अथवा पागलपन। और यहां एक शब्द आ रहा है अवसाद। अवसाद का अर्थ है दुख, अथवा निराशा। तो इस काव्यांश का जो प्रसंग है, इस काव्यांश का प्रसंग लिख लेते हैं हम यहां पर। देखिए, इसमें कवि ने अपने हृदय की मनोभावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया है। अपने हृदय की मनोभावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया है। ये इसका प्रसंग है। तो आइए व्याख्या की बात करते हैं। यहां पे कवि बच्चन ही कह रहे हैं कि मेरे हृदय में युवावस्था की, मेरे हृदय में युवावस्था की मस्ती, आनंद एवं पागलपन विद्यमान है। मेरे हृदय में युवावस्था की मस्ती, आनंद एवं पागलपन विद्यमान है, और मैं इस प्रेम की मस्ती में सराबोर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं इस प्रेम की मस्ती में सराबोर रहकर, युवावस्था की मस्ती में सराबोर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। कवि कहते हैं कि प्रेम की मस्ती, आनंद और पागलपन रहने पर भी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। प्रेम की मस्ती, आनंद एवं पागलपन रहने पर भी मुझे अपने जीवन में दुख एवं निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। अर्थात मेरे जीवन में प्रेम की मस्ती, आनंद होने पर भी दुख एवं निराशाएं भी विद्यमान है। दुख और निराशाएं भी विद्यमान है, ऐसा कह रहे हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कभी कहते हैं कि यह स्थितियां मेरे हृदय की मनोभावनाओं को, कभी कहते हैं यह स्थितियां मेरे हृदय की मनोभावनाओं को बाहर से तो अर्थात लौकिक संसार में हंसाती है, अर्थात प्रसन्न चित रखती है।
और भीतर ही भीतर किसी प्रियतम की स्मृतियां, भीतर ही भीतर किसी प्रियतम की स्मृतियां मुझे कष्ट देती हैं, सताती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो ये कहते हैं इन संपूर्ण स्थितियों का मूल कारण यह कि मैंने अपने हृदय में किसी प्रियतम की मधुर स्मृतियों को स्थान दे रखा है, जिसके कारण मुझे अत्यधिक कष्ट होता है अथवा दुख एवं निराशाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अब इस व्याख्या के विशेष की बात करते हैं हम, तो विशेष देखिए विशेष क्या है इसका। देखिए, पहले भी हमने आपको कहा था कि विशेष में एक तो आप ये बात लिख सकते हैं कि आपके रचनाकार की जो भाषा है वह कौन सी। तो एक तो आप लिख सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, एक बात हमने ये लिख दी। दूसरी बात देखिए, यहां लिखा है फिरता हूं फिरता हूं, इसके कारण हम लिख सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात काव्य पंक्ति के अंतिम शब्दों की ध्वनियां समान होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर हम ये लिख सकते हैं कि कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा जहां कोमलकांत शब्दावली आती है वहां मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम प्रसाद गुण का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि जैसे यहां लिखा बाहर हंसा रुलाते भीतर, बाहर से तो प्रसन्नचित रहता भीतर से कष्ट देती हैं स्थितियां, कि विरह भाव का चित्रण किया गया है, तो ये हुई इसके विशेष की बात। आइए इससे इसी व्याख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं हम। तो ये हमारा प्रश्न कि उन मादों में अवसाद कहकर कवि क्या अभिव्यक्त करना चाहता है। आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि ने उन्माद युवावस्था में उत्पन्न प्रेम की मस्ती आनंद और पागलपन को कहा है। इस मस्ती आनंद पागलपन की स्थिति में कवि को अपने प्रियजनों की स्मृतियां सताती हैं, जिसके कारण निराशा का भाव व्याप्त हो जाता है। यह स्थिति उसे बाहर से लोगों के समक्ष प्रसन्नचित रखती है, परंतु भीतर ही भीतर कष्ट देती है। इस प्रकार प्रेम की मस्ती में दुख निराशा के भाव को उन्मादों में अवसाद कहकर अभिव्यक्त किया गया है। देखिए अगली व्याख्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। देखिए इसमें पहले हम प्रसंग की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कवि ने सत्य
स्वार्थपन की नीति के कारण। संसार की मूर्खता का चित्रण किया है। स्वार्थपन के नीतिकरण संसार की मूर्खता का चित्रण किया है। तो ये है इसका प्रसंग। ठीक है, यहाँ लिखा यत्न, यत्न प्रयास, यत्न अर्थात प्रयास, या फिर हम इसे उपाय भी कह सकते हैं, प्रयत्न भी कह सकते हैं। सत्य किसी ने जाना। कवि बच्चन कहते हैं कि मैंने बहुत से प्रयास, उपाय अथवा प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, अथवा मेरे हृदय के वास्तविक सत्य को नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान का अर्थ ना समझ या फिर अज्ञानी भी कहा जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग ना समझ हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि यदि उन्हें कहीं पर दाना अर्थात स्वार्थ सिद्धि के साधन कभी कहते हैं कि संसार के लोग ना समझ एवं अज्ञानी हैं, यदि उन्हें कहीं स्वार्थ सिद्धि के साधन प्राप्त हो जाएं, तो वे अपने स्वार्थ को महत्व देने के लिए वहीं रुक जाते हैं, अर्थात दाना चुगने लगते हैं, स्वार्थ की पूर्ति करने लगते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग, मूढ़ का अर्थ मूर्ख। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। कभी कहते हैं यह संसार नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, परंतु इसकी नश्वरता का ज्ञान होने के बाद भी लोग केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि को महत्व देते हैं, तो क्या वे मूर्ख नहीं है? अर्थात निश्चय ही ऐसे लोग कवि के अनुसार मूर्ख हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कवि वचन कहते हैं कि मैंने आज तक जो ज्ञान प्राप्त किया था, इस सांसारिक ज्ञान को देखकर, इस सांसारिकता को देखकर मैं अपने उस ज्ञान को बुलाने का प्रयास कर रहा हूं। अर्थात मैं केवल प्रेम भावना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। देखिए, अब इसके विशेष की बात की जाए तो इसमें आपको अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। देखिए लिखा है जानना, दाना, इसके अलावा तुकांत शैली की बात कर सकते हैं हम। इसके अलावा छंदबद्धता का निर्वाह किया गया है, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा खड़ी बोली हिंदी की बात ये की जा सकती है। इसके अलावा
कोमलकांत शब्दावली की बात हो सकती है। इसके अलावा प्रसाद गुण की बात हो सकती है। इसके अलावा स्वार्थी लोगों को कवि द्वारा मूर्ख बतलाया गया है। ये बात भी की जा सकती है। आइए अब इस व्याख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किस सत्य को कोई नहीं जान पाया है। आत्मपरिचय कविता के अनुसार कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यह संसार केवल सांसारिक स्वार्थ छल कपट की मनोभावना को स्वीकार करता हुआ जगत के इस वास्तविक सत्य को नहीं जान पाया है कि मोह माया में व्याप्त इस संसार सागर को केवल प्रेम भावना द्वारा ही प्राप्त पार किया जा सकता है। हमें नश्वर जगत से अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये भाग जानकारी से परिपूर्ण और रोचक लगा होगा। यदि आपको जानकारियाँ उचित लगी हों तो हमारे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे के भाग में अन्य व्याख्याओं और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।